15 दिन से हम रहा था, कुछ कुछ नहीं नगर का। मैम को फोन करते हैं, बोलता है क्या कि अभी तुम लोग को तो अभी 12 घोषित नहीं हुआ, तुम लोग के अभी जिला से हमको ऑर्डर नहीं दिया गया, तुम लोग को क्या दें। पूरा अनाज पानी भीग चुका है और हम लोग को तो ना तो पंडाल का सुविधा दिया गया, लाइन तो मरकरी जुड़ गया लेकिन जनरेटर का सुविधा नहीं। इस कारण से हम लोग कुछ व्यवस्था के लिए हम लोग कुछ राहत। अभी जो मैम बोल रहा हूँ, भागलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलने से आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के समीप सड़क जाम कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने भागलपुर नाथनगर मुख्य मार्ग को बैरिकेडिंग कर घंटों आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वे सभी नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर और शंकरपुर चवनिया पंचायत के देरा क्षेत्र के अलग अलग गांव में गंगा का पानी फैल जाने के बाद रविंद्र भवन में आकर शरण लिए हुए हैं। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा उनकी सहायता के लिए कुछ भी उपाय नहीं किया गया है, जिस कारण उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही कीड़े मकोड़े बिच्छू और सांप का डर भी बना हुआ है। 3 दिन पहले ही नाथनगर सीओ स्मिता झा उन सबों को सहायता पहुंचाए जाने का आश्वासन देकर गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता जिला प्रशासन से उन्हें नहीं मिली है। 15 दिन से हम रहा था, कुछ कुछ नहीं नगर का आया, नगर 15 दिन कोई भी प्रशासन सीओ साहब कोई भी कुछ नहीं सुनता था। इस कारण से हम नगर के कुछ व्यवस्था के लिए हम नगर जो अभी जो मैम बोली कि हम लोग जो है सब व्यवस्था करते हैं, वो कोई व्यवस्था नहीं किए। उस दिन भी हम लोग रात में कल जो मैम को हम लोग फ़ोन किए थे तो मैम बोले कि तुम लोग जो खाली मरकरी लगा दिया है और उसमें ने जनरेटर दिया गया ने, हम लोग को पंडाल उस बार सर भी लोग सीओ सर पिछला वाला बना दिया था, अभी बार कुछ नहीं बनाया है। और जब सीओ मैम को फ़ोन करते हैं बोलता है क्या कि अभी तुम लोग को तो अभी 12 घोषित नहीं हुआ, तुम लोग के अभी जिला से हमको ऑर्डर नहीं दिया गया, तुम लोग को क्या दें बेटा। ये लोग ऐसे होता है तो आज का है जाम क्यों, इसीलिए आप जानिए जब जब सीओ मैम बोला, जब हम लोग बोले हैं सीओ मैम को कि ऐसे ऐसे सीओ मैम बोलता नहीं सुन रहा है तो रोड जाम करना है, तब हम जाके रोड जाम किए थे। पूरा अनाज पानी भीग चुका है और हम लोग को तो ना तो पंडाल का सुविधा दिया गया, लाइन तो मरकरी जुड़ गया लेकिन जनरेटर का सुविधा नहीं, इसलिए कि हम लोग को लाइन जो कटा तो हम लोग रात में अंधेरे में और बारिश के में जो पंडित टांगे थे तो पंडित पूरा टूट फूट के हम लोग भीगते रात भर वाले बच्चा समय काटे, इसलिए हम सर आज रोड जाम किए थे। सीओ साहब आए बोले कि सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, PhD द्वारा हम लोग बाथरूम बनवा रहे हैं वो भी नहीं बना, बोला जिला प्रशासन द्वारा हम पानी का टैंकर बनवा रहे हैं वो भी नहीं आया है, और सामुदायिक रसोई जो बोले सामुदायिक रसोई सर हम लोग को पंडाल बना के उसमें रसोई खिलाया जाता था हर साल, यानी कि अभी इस साल भी कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया अभी तक सर, हम लोग को घर सर्वेक्षण कर लिया था। क्या सीओ साहब उठा क्या बोला, सीओ साहब को जब बुलाते हैं तो बोलता है कि हम लोग जो है तुम लोग बार बार ऐसे करोगे तो होगा, तो हम लोग को ऊँचा स्थान दिया जाए, ऊँचा स्थान दिया जाए, हम लोग कहा ले करेंगे, हम लोग अगली बार बात जाएंगे। वही बाढ़ पीड़ितों के द्वारा जाम की सूचना मिलते ही नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाए जाने का आश्वासन देकर जाम को तुड़वाया। सीओ ने बताया कि सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी। निर्माण नहीं करवाया बना के खुद रह रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो पॉलिथिन सीट अंचल कार्यालय से आके ले सकते हैं, कुछ लोगों ने लिया है बाकी लोगों ने नहीं लिया है, वो भी आगे अपना देखिए। सामुदायिक रसोई का जब तक हमारे पास आदेश नहीं आएगा, जिला प्रशासन के द्वारा बात की घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक हम उसको नहीं चला सकते। डीएम साहब से कल बात हुई थी हमारी तो डीएम साहब बोले थे कि हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, उसके बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक क्या आप लोग सर्वे का लिस्ट भेज दिए? बिल्कुल, हम लोग प्रतिदिन प्रपत्र भेजते हैं, जो भी जितने भी लोग नए लोग यहाँ पे आके रहते हैं उसका हम लोग डिटेल भेजते हैं। क्या उम्मीद करें यहाँ के लोग बाढ़ पीड़ित जो हैं, कब तक यहाँ पर समुदाय हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और रहेगा, कब तक उनकी सुविधा जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसका निराकरण किया, चालन शौचालय भी नहीं होता, कहना क्या है लोगों का तो कहना है कि शौचालय आता है, नहीं कहा है, एक बार बताएं किसने कहा है, बताएं। मैम सभी बातों पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आ रहा है, आ रहा है,
चार लाइट नहीं जल रहा है मैडम, केवल बिजली दे दिया गया है। लाइट जल रहा है, एक बार पता कर लीजिए आप। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि मरकरी नहीं जल रहा है, जनरेटर जब बिजली नहीं होगा, बारिश बिजली कट गया होगा तब नहीं। मैम, जो सबसे आवश्यक सुविधा है वो खाने की है। कहना उचित नहीं होगा कि कुछ भी सुविधाएं इनको नहीं दी गई है। तीन दिनों में बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया है, हैंडपंप की मरम्मत करा ली गई है, वो अभी चालू अवस्था में है। पानी का टैंकर भी आ रहा है, किस कारण से आज नहीं आ पाए इस पर पता कर लेते हैं हम। और शौचालय के लिए ज्वलन शौचालय जो एमजीडी की तरफ से आता है, नगर निगम की तरफ से वो आता है, और पीएचडी के द्वारा और अस्थायी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, वो भी प्रक्रिया में है। बाकी इनका जो और इनका कहना है कि जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। कॉल किया गया था मैम, उन्हें आप इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपका कहना है कि पिकनिक मनाने के लिए।